लो भाई मेहरबान हो, प्रकृति के निर्माता ईश्वर के हाथ से निर्मित सभी प्राणियों और सभी वस्तुओं को देखकर कवि के दिल और दिमाग पर एक ख्यालातों का भूचाल सा जागृत हो जाता है। शिकवा जाहिर करता है भगवान से कि तूने ऐसा क्यों कर दिया, लेकिन आखिर में हाथ जोड़ के भगवान से यूं कहता है कि तेरी महिमा परंपार है, इसको कोई नहीं जान सकता। कैसे क्या लिख देता है, हो धन धन है तेरी कारीगरी भगवान रे, धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। वेद समझ में आया ना कुछ, वेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, ओ धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। अरे वेद समझ में आया ना कुछ, वेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, ओ धन धन है तेरी भगवान। अरे हाथी बड़ा बना दिया इतना, छोटी आंखें बनाई क्यों, सूरज इतना गर्म किया पे चांद में शीतल ताई क्यों, छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों, छोटी सी चींटी के पेट में भारी गांठ लगाई क्यों। कोई टुकड़े से मोहताज है फिर दर दर का बना भिखारी क्यों, गद्दी सीने की कोई दी इतनी साहूकारी क्यों, उसी राह से आके सब धर्मी एक अत्याचारी क्यों, उसी राह से आके धर्मी एक अत्याचारी क्यों। भाई सांप के कान दिए क्यों ना ये बिना कान बेचारा क्यों, सांप के कान दिए क्यों ना ये बिना कान बेचारा क्यों। और ही जीड़े पैदा क्यों होते हैं ढंग दुनिया से न्यारा क्यों, जब निर्मल नीर नदी का है तो किया समंदर खारा क्यों, जब निर्मल नीर नदी का है तो किया समुंदर खारा क्यों। भाई किसी के लार फिरे बेटों की रे, किसी के एक पिल्लर क्यों ना, किसी के लार फिरे बेटों की किसी के एक पिल्लर क्यों ना। और सभी गगन चर परवाहड़े पर चमगी दड़के पर क्यों ना, गुल्लर पे फल भुनगे आला यो आता फूल नजर क्यों ना, गुल्लर के फल भुनगे आला आता फूल नजर क्यों ना। और केरे कोतन पाद दिया ना रे, केरे कोतन पाद दिया ना रे, कर दी ढूंढे समान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, हो धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। एसो मंगू सिंह वर्मा जी, हाँ एसो मंगू सिंह वर्मा जी, थाना पथरी 3100 रुपए दे रहे हैं एसो साहब, हम उनका बार बार शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद। और दूसरी बात में शिकवा जाहिर करता है कि हे भगवान, उल्लू को तने आंख देती है लेकिन इसे दिन में दिखाई क्यों नहीं देता,
किसी किसी के हाथ में उंगली छह बना दी है भगवान, ये तेरा कैसा खेल है? क्या लिखा? अरे उल्लू को तना, अरे उल्लू को तना आंखें दई दिन मना दे ये दिखाई क्यों? किसी किसी के हाथों में उंगली भगवान छे बनाई क्यों? जब रात बनाई सोने को चकवे में रात जगाई क्यों? जब रात बनाई सोने को चकवे में रात जगाई क्यों? पता किस तह में डूब गई तम मेहंदी के भीतर लाली है, सीप को मोती बकसे दिया और मणि सरप को दे डाली, पत्थर में से हीरा निकले या अजब बात देखी वाली, पत्थर में से हीरा निकले अजब बात देखी वाली, भाई दुमे को दुम दुमे को दुम लंबी कर दी इतना बोझ बढ़ाया क्यों? दुम की ही जगह करंट बिजली का जुगनू के चिपटाया क्यों? मेंढक ने के खता करी यो बिना जुबा कहलाया क्यों? तेरे मेंढक ने के खता करी यो बिना जुबा कहलाया क्यों? जब सृष्टि ही इतनी लंबी रची फिर सकल सभी की न्यारी क्यों? सृष्टि ही इतनी लंबी रची फिर सकल सभी की न्यारी क्यों? और मोर भोग क्यों ना करता सब भोग करें संसारी क्यों? कौवे के तन ने दिए दो एक पुतली डारी क्यों? और कौवे के तन ने दिए दो एक पुतली डारी क्यों? और दुर्बल क्यों खरगोश बनाया यो शेर किया बलवान? धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, हर भेद समझ में आया ना, कुछ भेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, हो धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। और तीसरी बात में शिकायत है कवि की, कहे भगवान तुमने कोयल को इतना सुर मस्त बनाया है लेकिन उसका रंग काला क्यों बना दिया? और ये पेट में ही तू आंख कान मुंह नाक कैसे बना देता है? कुछ समझ में नहीं आती बात। क्या लिखा? अरे कोयल को सुर मस्त बना दिया रंग बनाया काला क्यों? कोयल को सुर मस्त बना दिया रंग बनाया काला क्यों? नारो दर कपी सुने जन्म से ऐसा ढंग निराला क्यों? जिंदगी वरना खत्म होए मकड़ी के मुंह में जाला क्यों? जिंदगी वरना खत्म होए मकड़ी के मुंह में जाला क्यों? वही वही सूरज और चंद्रमा फिर मौसम न्यारे न्यारे क्यों? गर्मी और बरसात कभी पड़ते हैं शीत करारे क्यों? मटर के दाने में बतला भूनगे में पैर पसारे क्यों? मटर के दाने में बतला भूनगे में पैर पसारे क्यों? भाई एक अचंबा रे के अचंबा यो एक अचंबा भारी है यो जीव कहां से आता है? जन्म से पहले अस्तन में तू कैसे दूध बनाता है? हाड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है? हाड का पिंजर पेट के अंदर किस रास्ते पहुंचाता है? अरे आँख कान मुंह नाक बनाए भीतर कहां उजाला था? आँख कान मुंह नाक बनाए भीतर कहां उजाला था? ऐसा बड़ा स्थूल बना दिया कैसे देखा भाड़ा था? जब हाड मांस की देह बनाई कहां से लिया मसाला था? जब हाड मांस की देह बनाई कहां से लिया मसाला था? और ज्ञान इंद्री कर्म इंद्री रच दिया पांच तत्व परवान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान, हो
धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। आखिर में शिकवा करता है भगवान, ये काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये तन जीव के साथ क्यों लगा दिए। अंधे कोड़ी बहरे गूंगे इस तरीके के भी तेरे सृष्टि में ऐसे भी जीव देखने को मिलते हैं। नीचे जल है ऊपर पृथ्वी से कैसे टिका दिया, किस तरीके से लिखा है। अरे काम क्रोध मद काम क्रोध मध्य लोभ मोह तन जीव के साथ लगाए क्यों। अहंकार नर जगत के प्राणी बुरी तरह लुटवाए क्यों। अंधे कोड़ी बहरे गूंगे ये जीव नजर में आए क्यों। अंधे कोड़ी बहरे गूंगे जीव नजर में आए क्यों। अरे नीचे जल और ऊपर पृथ्वी कैसे है इसे टिकाया है। ढूंढा घर ना मिला पवन का कहां पर इसे छुपाया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। रेतीला मैदान कहीं ऊंचा पर्वत लहराया है। भाई सोना चांदी रे सोना चांदी रे सोना चांदी अब रख निकले कहीं लोहे की खाने हुई। पेटे रोल धरती से निकले देख अकल हैरान हुई। एक भूमि जब रची एक ने तो क्यों ना एक समान हुई। एक भूमि जब रची एक ने तो क्यों ना एक समान हुई। कोई हंसते बोलते पता चले ना ये जीव कहाँ रम जाता है। हंसते बोलते पता चले ना ये जीव कहाँ रम जाता है। ले जावणिया कौन इसे और कहाँ से लेने आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। धन्य प्रभु प्रभुताई तेरी न भेद समझ में आता है। और रति राम ऐसा ना करता न रखता यो तुझे जहान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान है। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान। अरे भेद समझ में आया ना कुछ भेद समझ में आया ना तेरी अजब निराली शान। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान हो। धन धन है तेरी कारीगरी भगवान।